गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीस क्लास। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास वी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 6। नाउ टुडे विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7, फूड एंड क्लोज, मींस खाना और कपड़े। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन। यू ऑल लिव इन अ बिग कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। देखिए, आप सभी एक बहुत बड़ी कंट्री में रहते हैं, जहाँ अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जिसमें अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्लाइमेट्स है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। और उसी प्रकार से जो लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रकार का, अलग अलग कंट्री का अलग अलग खाना भी खाते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना है एंड वियर, और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। Different types of clothes in this chapter you will study about the food and clothes। तो इस chapter के अंदर आप यही पढ़ेंगे food और clothes, कपड़ों के बारे में, of the people different parts of country, जो अलग अलग country के people लोग पहनते हैं या जो खाते हैं। okay? So India is the largest country having 29 states and 7 union territories। okay? देखिए, जो इंडिया है, जो भारत है, उसमें 29 स्टेट्स हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जो इंडिया के लोग हैं वो अलग, उसमें भी जो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग सिटीज है, वहाँ लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं एंड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ, और अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म एंड क्रॉप ग्रो इन द रीजन। ये उनकी क्लाइमेट पे, उनकी लैंडफॉर्म पे एंड उनकी क्रॉप्स ग्रो, मतलब जो उनकी फसल ग्रो होती है उस क्षेत्र पे डिपेंड करता है। व्हीट, राइस, मैश, ज्वार एंड बाजरा आर द मोस्ट पॉपुलर फूड ग्रेन्स इन इंडिया। और हमारे भारत में जो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा है, ये बहुत पॉपुलर फसल है यहाँ की। ओके, अब आता है नेक्स्ट फेवरेट फूड ग्रेन्स। The food of an area mostly depend on the crops grow in the part। देखिए, जो food होता है, food of an area, किसी भी area का जो food होता है mostly depend on crops, कि वो उस crops पे depend करता है जो उस part में उगाई जाती है। The crops grow in an area largely depend on the climate। और जो फसल उगाई जाती है ज़्यादा मात्रा में, वो उसकी climate condition of that area और उस एरिया के कंडीशन और क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। डिफरेंट सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, मैश, बर्ली एंड ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसी के प्रकार जो डिफरेंट टाइप्स के सीरियल्स होते हैं, मींस अनाज होते हैं, खाद्य अनाज, वो भी अलग अलग प्रकार से उगाए जाते हैं, इंडिया के अलग अलग भाग में उगाए जाते हैं। पीपल लाइक टू ईट व्हीट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो नॉर्थन पार्ट के, इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट के लोग हैं वो गेहूं खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं इन साउथर्न ईस्टर्न एंड कोस्टल एरियाज पीपल लाइक टू ईट राइस। उसी प्रकार जो साउथ के और जो ईस्ट के और जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, उन्हें चावल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। दे ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ कोकोनट इन देयर फूड। और इसके अलावा वो कोकोनट ऑयल भी अपने खाने में यूज करते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसी प्रकार जो वेस्टर्न पार्ट, जो पश्चिमी क्षेत्र है इंडिया का, मेनली इन राजस्थान, कॉर्न, बाजरा एंड ज्वार आर कॉमनली ईटन। वहाँ के लोग, जैसे राजस्थान जो स्पेशल है, वहाँ कॉर्न मीन्स मक्का, बाजरा, ज्वार वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। पीपल ईट जैगरी आफ्टर एवरी मील। और लोग वहाँ अधिकतर खाना खाने के बाद गुड़ का प्रयोग करते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ पल्सेस आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। और इसी के अलावा जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में वेरियस काइंड्स की पल्सेस मीन्स होता है दालें, भी बहुत पॉपुलर है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड कर्ड आर ऑल्सो लाइक्ड बाय द नॉर्थ इंडियन पीपल। उसके अलावा हमारे इंडिया के जो नॉर्थ इंडियन पीपल है, उन्हें मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पीपल ऑफ कश्मीर लाइक टू ईट राइस एंड फिश। और जो कश्मीर के लोग हैं, उन्हें फिश और चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मीन्स मछली चावल। पंजाब इज फेमस फॉर इट्स मेक मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। और जो पंजाब का फेमस है मक्के की रोटी और सरसों का साग। गाजर का हलवा इज ऑल्सो सर्व आफ्टर लंच और डिनर। और जब वो लंच और डिनर करते हैं तो उसके बाद गाजर का हलवा भी उन्हें परोसा जाता है, सर्व किया जाता है।
इडली डोसा सांबर पायसम रसम एंड उत्पम आर फेवरेट डिशेस इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। और जो साउथ इंडिया की स्टेट साउथ इंडिया है वहां की फेवरेट डिश है इडली डोसा सांबर एक्सेट्रा। ओके टुडे ऑल टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स आर इजीली अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। और इन कंट्री के हर एक पार्ट में जितने भी आइटम्स है सब जगह इजीली अवेलेबल होने लगे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अब नेक्स्ट आता है हमारा फल और सब्जियां। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रो ऑलमोस्ट इन ईच पार्ट ऑफ इंडिया एंड ईटन ऑल स्टेट्स। देखिए जो फ्रूट्स होते हैं, जो सब्जियां और जो फल होते हैं इंडिया के हर एक पार्ट में उगाए जाते हैं, हर एक हिस्से में उगाए जाते हैं एंड ईटन इन ऑल स्टेट्स और हर एक स्टेट में खाए जाते हैं। बट वी डो नॉट गेट ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट थ्रू आउट द ईयर। लेकिन हमें ये सारी चीजें ईयर के चलते, मतलब जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहते हैं हमें थ्रू आउट द ईयर के बाद में नहीं मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल, अधिकतर हमें ऐसे होते हैं जो सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं। मेनी ऑफ अस आर वेरी फॉन्ड ऑफ टी एंड कॉफी, लेकिन हमें जो टी और कॉफी होती है वो अवेलेबल हो जाती है। दीज आर प्लांट प्रोडक्ट डेट कम फ्रॉम द स्टेट लाइंग इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया एंड फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया। ये हमें कहाँ से उत्पन्न होती है, ये हमें मिलती है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, इंडिया के दो भाग से मिलती है, एक नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ओके टी एंड कॉफी। डिफरेंट फ्रूट्स आर ग्रो इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, अब देखिए जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होते हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में उगाए जाते हैं। काश्मीर इज फेमस फॉर चेरीज, काश्मीर में चेरी उगाई जाती है एंड स्ट्रॉबेरी एंड एप्रिकॉट्स आर ग्रो इन, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज और एप्रिकॉट मीन्स अखरोट भी उगाई जाती है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर एप्पल, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ एप्पल उगाए जाते हैं। मेलोन्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया इन समर्स, कोकोनट आर ग्रो मोस्टली इन द कोस्टल रीजन्स, और जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है वो अधिकतर कोस्टल रीजन्स में फसल उसकी लगाई जाती है। मैंगोस एंड बनानास आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और कंट्री में मैंगोस और बनाना की फसल भी पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंज, और जो नागपुर है वो संतरों के लिए फेमस है। पाइनएप्पल आस ग्रो इन असम गोवा एंड केरला, और जो पाइनएप्पल होता है वो असम गोवा और केरला में उगाई जाती है। सो स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।